इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के लाइट चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं लाइट स्टार्ट करने से पहले कुछ क्लास नाइन्थ की चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि वेव क्या होता है। वेव के बारे में हम क्लास नाइन्थ में अच्छी तरीके से पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे क्लास नाइन्थ में अच्छी तरीके से। तो वेव क्या है, तो वहाँ पढ़े थे कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम, वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विदाउट ए नेट डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स कि जो वेव होता है वे किसी मीडियम को डिस्टर्ब करने पर क्रिएट होता है। जब तक हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक उस मीडियम में वेव क्रिएट नहीं होगा। अब वेव पढ़े थे कि वेव टू टाइप्स के होते हैं। वहां पर हम पढ़े थे कि वेव जो होता है वह टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा टू टाइप्स होता है, तो एक होता है आपका मैकेनिकल वेव और एक होता है आपका नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात यह है कि इसको हम हिंदी में यांत्रिक बोलते हैं, यांत्रिक तरंगे, और इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। वहां हमने पढ़ा था जो मैकेनिकल वेव होती हैं इनको प्रोपगेट करने के लिए यानी आगे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। हम लिख सकते हैं इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और इनको मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है। Does not required. इनको मीडियम की आवश्यकता होती है और इनको नहीं होती है। जो भी वेव्स इन मैकेनिकल वेव के अंदर आती हैं, वे सारे मीडियम के थ्रू ही आगे प्रोपेगेट करती हैं, चलती हैं। जो नॉन मैकेनिकल वेव के अंतर्गत आती हैं, वे प्रोपेगेट करने के लिए उनको मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी एग्जाम्पल में यदि हम एग्जाम्पल ले लें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल पड़ जाएगा आपका साउंड। साउंड मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल में बहुत सारे रेज हैं, आपका अल्फा रेज, सॉरी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, डिफरेंट टाइप्स के वेव आपके आ जाएंगे नॉन मैकेनिकल वेव में। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया तो हम यहाँ पर एक वर्ड लेंगे। वर्ड आपके सामने एक नया आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तब आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है एक वेव्स या रेज का, कई सारे रेज या फिर वेव्स का एक बंडल होता है जिसमें बहुत सारे रेज होती हैं। उसी में से एक रेज आपका लाइट भी है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, बोल सकते हैं ऐसा। तो देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अब भाई कई सारी वेव्स हैं, तो उन सारी वेव्स का अलग अलग वेवलेंथ होगा, अलग अलग वेवलेंथ होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी और अलग अलग फोटॉन एनर्जी भी होगी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें अलग अलग वेव को उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और फोटॉन एनर्जी के बेस्ट पे ही अलग अलग रखा गया है। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने आया है फोटॉन, तो मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ गए होंगे क्या होता है। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वेव्स या रेज का बंडल होता है। अब बात है कि फोटॉन क्या होता है। फोटॉन ये वर्ड है, जो लाइट है ना, जो लाइट है इन्हीं फोटॉन पार्टिकल से मिलके बनी होती है।
जो लाइट है इन्हीं फोटोन पार्टिकल से मिलके बनी होती है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्स प्लांक। प्लांक साइंटिस्ट साहब ने इस फोटोन को लेकर एक थ्योरी दिया था, उन्हीं की थ्योरी को बोलते हैं मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत या मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो लाइट है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, जो लाइट्स है, जिन लाइट्स को हम देखते हैं या फिर जो लाइट सन से आती है या फिर जो भी लाइट्स है, ये जो लाइट्स हैं एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होती है या फिर गति करती है, और जो वे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं उन्हीं को ही हम फोटोन कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो लाइट होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में मूव करती है, और उन्हीं एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल को ही हम फोटॉन कहते हैं। यह थ्योरी किसका है, यह थ्योरी है मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का, ठीक है, उन्हीं का यह थ्योरी है। अब बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कई सारे वेव्स हैं, अब वेव्स हैं तो उनका वेवलेंथ भी होता है, वेवलेंथ होता है तो उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होती है। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको हिंदी में, या बोले हम क्या एक बंडल होता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसका जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है देख लीजिए, इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ मतलब क्या, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य। इसका जो वेवलेंथ होता है यह आपका होता है 10^-14 मीटर से 10^4 मीटर तक, यह होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ। इसकी भी फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। ये वर्ड आपके लिए, इसको हम यंग से भी दिखाते हैं और यंग से भी दिखाते हैं, ठीक है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, जिसको हम दिखाते हैं एच जेड से, और वेवलेंथ की यूनिट होती है आपकी मीटर। आपके सामने ये कोई वर्ड नया नहीं होगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, आप इसके बारे में नाइन्थ में जस्ट पढ़ के ही अभी आए हैं। जो वेवलेंथ होता है वह होता है आपका 10^-14 मीटर से 10^4 मीटर तक, जो फ्रीक्वेंसी होता है 10^20 हर्ट्ज से 10^4 हर्ट्ज तक होता है। किसी बुक में थोड़ी सी वैल्यू इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, ये आपकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अब इसके अंदर चूंकि बहुत सारे वेव होते हैं तो उन सारे वेव का भी अलग अलग वेवलेंथ होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तब हम चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कौन कौन से वेव आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन से वेव आते हैं और उन सारे वेव्स का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। हम कुछ चार्ट बनाते हैं, आप उस चार्ट को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफिनेशंस की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि एग्जाम में पूछ देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डिफिनेशंस क्या होता है तो हम कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डिफिनेशंस क्या होता है। आइए देखते हैं किस डिफिनेशंस के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट टाइप के वेव होते हैं और डिफरेंट टाइप के वेव होंगी तो उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, बस उन्हीं सारे वेव्स को उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिहेव पे अलग अलग रख देना ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अब देखेंगे हम लोग कि जो वेव होते हैं, जो रेज होते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक बहुत बड़ा पैकेज होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के वेव होते हैं, रेज होते हैं,
ठीक है ना। अब हम देखेंगे कौन कौन से रेज होती हैं, उनकी वेवलेंथ क्या होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो हम चार्ट बना देते हैं, आप उस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, ये चार्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इसी चार्ट में आप लोग देखेंगे कि लाइट भी होगी बीच में, ठीक है। देखिए देखिए, हमने चार्ट बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो रेज होते हैं उनका। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यहाँ रेज होते हैं कौन कौन से देख लेते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेडिएशन, लाइट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लाइट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव होते हैं। ये इतने वेव होते हैं, इन वेव्स का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का हमने यहाँ चार्ट बनाया हुआ है। इन सात चार्ट को एक बार देखेंगे तो जो गामा रेज है, इसका जो खोज है, इसका जो डिस्कवरी है, वह 1896 में बेफुल और क्वेरी दो लोग थे, बेफुल और क्यूरी दो लोगों ने किया था, कब 1896 में। इसका जो वेवलेंथ होता है 6 × 10⁻¹² मीटर और जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 5 × 10⁻¹⁹ हर्ट्ज से ज्यादा होती है। सेकेंड है आपका एक्सरेज। एक्सरेज की बात करें तो एक्सरेज की जो खोज है वह रोजर नामक साइंटिस्ट ने किया था, रोंजन नामक साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था तो 1895 में किया था, 1895 में किया था एक्सरेज। एक्सरेज का जो वेवलेंथ होता है वह 6 × 10⁻¹² से 8 × 10⁻¹⁹ मीटर होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 5 × 10⁻¹⁹ से 3 × 10⁻¹⁶ हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें। इसकी जो खोज है ये रीटर नामक साइंटिस्ट ने किए थे, रीटर नामक साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था तो ये किए थे 1801 ईस्वी में इनकी खोज किए थे। इसका जो वेवलेंथ होता है वह 8 × 10⁻⁹ से 3 × 10⁻⁷ मीटर होता है और फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻⁴ से 7 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज होती है। ये सारी वैल्यू हर्ट्ज में लिखी हुई है और ये सारी वैल्यू आपकी मीटर में लिखी हुई है। इसी तरह विजुअल रेडिएशन देख लेते, इसकी खोज आपके न्यूटन साहब ने किया था और कब किया था, ये किए थे 1866 में। न्यूटन साहब ने बताया, खोज किया कि इसका जो वेवलेंथ होता है वह 3 × 10⁻⁷ से 7.6 × 10⁻⁷ मीटर होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो जो फ्रीक्वेंसी होता है 7.9 × 10⁻¹⁴ से लेकर के 3.9 × 10⁻¹⁴ होता है। नेक्स्ट है आपका इंफ्रारेड और एक्सरेज, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो और इंफ्रारेड की जो खोज किए थे वे किए थे आपके हर्सेल साहब ने। किसने किया था? हर्सेल साहब ने। कब किया था तो ये किए थे आपके 1800 ईस्वी में। इंफ्रारेड की खोज कब किए थे? 1800 ईस्वी में। इनका जो वेवलेंथ होता है 7.6 × 10⁻¹⁷ से 1 × 10⁻³ मीटर और जो फ्रीक्वेंसी है यह होती है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की बात कर लें तो इसकी जो खोज है, इसकी खोज किए थे 1888 में हर्ट्ज साहब ने। हर्ट्ज नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1888 में माइक्रोवेव वेव्स का खोज किया था। इसका जो वेवलेंथ है वह 1 × 10⁻³ मीटर से 0.3 मीटर होती है और जो फ्रीक्वेंसी है वह 3 × 10⁻¹⁶ से 10 × 10⁻¹⁹ हर्ट्ज होती है। और लास्ट में आता है आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव की जो खोज है ये किए थे मार्कोनी साइंटिस्ट ने। किसने किया था? मार्कोनी साइंटिस्ट ने किए थे। और कब किए थे? ये किए थे आपका 1895 में। तो ये आपके वेव्स है, इसका जो दिया हुआ है आपका ये वेवलेंथ है और ये आपका इसका फ्रीक्वेंसी है। इस तरह आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है,
इतने सारे वेव्स होते हैं और इन्हीं वेव्स में से एक वेव्स एक रेज के बारे में पढ़ना हमको, किसके? विजुअल लाइट, लाइट के बारे में। अब इनका काम देख लें कि इनका काम क्या होता है। जो गामा रेज होती है, जो गामा रेज होते हैं, ये इनका यूज जो होता है आपका, ये गामा रेज का जो यूज होता है आपका, किसी चीज को होल करना हो, यानी किसी चीज को छेदना हो, भेदन क्षमता बोला जाता है कि जो गामा रेज की जो भेदन क्षमता होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है। एक्स रेज के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे कि एक्स रेज क्या होता है। एक्स रेज आपके एक्सरे करने में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद देख ले अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें। जो आपको पता होगा कि जो ओजोन लेयर है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक देता है और कुछ ही किरणों को हम लोगों के पास भेजता है। तो होता क्या है कि इन किरणों का यूज हम आपके इंडिविजुअल राइटिंग के लिए करते हैं, और इंडिविजुअल राइटिंग मतलब अदृश्य लिखावट, जिसको देख ना पाए फिर भी लिखा हो। इसके बाद इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव। रेडियो वेव का प्रयोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए रेडियो से जो भी वेव आते हैं हमारे पास सेटेलाइट से, उन वेव के लिए हम रेडियो वेव का यूज करते हैं। ये चार्ट है आपका अल्ट्रा स्पेक्ट्रम के अंदर जो भी रेज होते हैं उनका, इस चार्ट को याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग लाइट के बारे में। अब आगे पार्ट किसके बारे में पढ़ना हमको, लाइट के बारे में। मे बी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आया होगा और उसकी जो हमने चार्ट बनाया है, इस चार्ट को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइट के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में हम देखेंगे लाइट की डिफिनेशन हम बोल सकते हैं जनरली, जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि जो लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट होता है, उस बेस पे हम यह बोल सकते हैं कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और भी डिफिनेशंस कई सारे हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव अस सेंस ऑफ विजन, ये भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स ए पर्सन टू सी द ऑब्जेक्ट, ये भी कह सकते हैं। तो आपको जैसा लगे आप उस डिफिनेशन को लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो हम जनरल डिफिनेशन लिख देते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव अस सेंस ऑफ विजन मतलब लाइट जो है ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। ध्यान दीजिएगा, लाइट दिखती नहीं है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करती है। ये लाइट की हम डिफिनेशन देख सकते हैं। तो हम कोई ऑब्जेक्ट देखते कैसे हैं? यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर लाइट आती है, यदि लाइट इसे टकरा करके या फिर लौट जाती है इसी मीडियम में, फिर लौट जाती है और हमारे आंखों पर आके गिरती है, तब जाके हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसा आपने देखा कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरी, गिरने के बाद उस ऑब्जेक्ट से टकराने के पश्चात फिर उसी मीडियम में रिटर्न हो गई। इसे बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसी रिफ्लेक्शन के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यदि रिफ्लेक्शन ना हो तो किसी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं। इसी आधार पर ऑब्जेक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इसी पार्ट पे ऑब्जेक्ट को तीन पार्ट में, इसी बेस पे ऑब्जेक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन सा? वहां होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। थ्री पार्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार रेस चली जाए, लाइट चली जाए, ट्रांसपेरेंट आर पार चली जाए, ट्रांसलूसेंट मतलब कि आधा पूरी तरीके से आर पार लाइट न जा सके, और ऑपिक मतलब जिसे कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक ना, कोई लकड़ी हो गई या फिर हमारा और आपका बॉडी हो गया, जिसे हम किसी को देख पाते हैं, जिसके आर पार जो लाइट होता है वो न जा सके। इस बेस पे ऑब्जेक्ट को थ्री बेस में डिवाइड किया गया।
और भी जैसे दो ऑब्जेक्ट और होते हैं, एक और पढ़े हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जो जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद का लाइट होता है उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद का लाइट नहीं होता है उसे बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये फाइव टाइप्स के आप ऑब्जेक्ट यहाँ लाइट में पढ़ेंगे और जान गए हम कि ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक, ये तीन लाइट हो गई, तीन ऑब्जेक्ट हो गए, और दो ऑब्जेक्ट और बताए हमने क्या, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस जिसका खुद का लाइट होता है, दोज ऑब्जेक्ट हैव ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड दोज ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट हैव ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। अब हम देखेंगे कि जो लाइट है, लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम में, क्योंकि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, तो लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम में। तो जनरली पढ़ते हम आ रहे हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है वे होती है आपकी, कितनी स्पीड होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस वेग से हम देखते हैं। अब यदि इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लें, यदि हम इसी ऑब्जेक्ट को किलोमीटर में चेंज करें तो हम कह सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से आपका लाइट ट्रेवल करता है वैक्यूम में, ठीक ना। यहाँ तक हमने लाइट्स के बारे में देखा। अब देखेंगे हम लोग नेचर ऑफ लाइट, लाइट के नेचर के बारे में। तो पहले क्या किया गया, पहले यह बताया गया कि लाइट जो है सिर्फ वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करती है। उस केस में लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टी को बताया गया और उसकी डिफरेंट तरीके के नेचर को बताया गया। लेकिन बाद में आइंस्टीन साहब ने आया और आइंस्टीन साहब ने आकर यह कहा कि नहीं, जो लाइट है सिर्फ वेव यानी तरंगों के रूप में आगे नहीं बढ़ती, लाइट में कुछ पार्टिकल भी होते हैं, उस पार्टिकल बेस पे भी लाइट ट्रेवल करती है। यानी पहले क्या कहा गया, पहले कहा गया कि जो लाइट है, पहले कहा गया कि जो लाइट है वह वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। बाद में आइंस्टीन साहब ने आया, उन्होंने कहा नहीं, लाइट जो होता है वो पार्टिकल भी होते हैं, लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं। इस आधार पर बोला गया कि भाई पहले बोला गया वेव के आधार पर और बाद में बोला गया पार्टिकल के आधार पर, यह किसने कहा, आइंस्टीन साहब ने, यह पहले साइंटिस्ट लोग कह चुके थे। अब एक ही लाइट की दो प्रॉपर्टी, एक ही लाइट की दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी, वे वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल कर रही है। इस बेस पर यह कह दिया गया जो लाइट का नेचर है, नेचर ऑफ लाइट, जो लाइट का नेचर है यह कैसा है, ड्यूअल, यानी दो नेचर आ रहे हैं ना, लाइट का दो नेचर है, एक आपका यह वाला हो गया वेव के फॉर्म में और एक ट्रेवल कर रही है आपका पार्टिकल के फॉर्म में। तो इसलिए कहा जाता है कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, दोहरी प्रकृति, हिंदी में बोले तो लाइट की दोहरी प्रकृति होती है। क्यों, क्योंकि वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है और आपका पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। अब देखा गया कि वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है तो वेव के कारण कौन कौन से फिनोमिना है, वेव के कारण कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वेव के कारण। तो वहां देखा गया कि वेव के कारण घटनाएं कई सारी बताई गई, उन घटनाओं को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर बताया गया, आइंस्टीन साहब ने बताया कि हम बताएंगे भाई आपको पार्टिकल के बेस पर भी लाइट में कौन कौन से फिनोमिना है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं पार्टिकल के बेस पे। हम कुछ वहां पर वो एक कारण लिख देते हैं जो वेव के कारण होती हैं और जो पार्टिकल के कारण होते हैं। देखिए वेव के आधार पर ये सारी घटनाएं होती हैं, रिफ्लेक्शन, वेव के बेस पे रिफ्लेक्शन का घटना होता है, फिर रिफ्रैक्शन का, फिर स्ट्रेट लाइन, मतलब वेव के ही बेस पे हम यह जान सकते हैं कि जो लाइट है वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद डिफ्रेक्शन, विवर्तन, पोलराइजेशन, ध्रुवण,
और इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, इन सारे के बारे में डीपली हम पढ़ेंगे आपके इस लेसन में। फिर पार्टिकल बेस पे कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो पार्टिकल बेस पे इन्होंने बताया आइंस्टीन साहब ने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फिर क्रॉम्पटन इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हम लाइट को डालते हैं, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे हम लाइट को गिराते हैं तो उस लाइट से, उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, यानी हम इसको सिंपल वर्ड बोल सकते हैं तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। उसके बाद एक क्रॉम्पटन इफेक्ट, तो क्रॉम्पटन इफेक्ट ये है कि चूंकि हमको पता है कि जो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसे फोटोन कहते हैं, तो जब किसी ऑब्जेक्ट यानी जब किसी मैटर पे हम फोटोन की किरणें डालते हैं, लाइट की किरणें फोटोन डालते हैं, तो फोटोन उस ऑब्जेक्ट्स के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और ऑब्जेक्ट्स के इलेक्ट्रॉन के टकराने के बाद उन सारे फोटोन का स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन होता है, कई सारे डायरेक्शन में जो फोटोन होते हुए बढ़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन का यही स्कैटरिंग कहलाता है आपका क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्या समझे कि यदि हम फोटोन को किसी ऑब्जेक्ट पे गिराते हैं यानी उसे अटैक कराते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराने के बाद फोटोन का स्कैटरिंग हो जाता है। उस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन पर टकराने के बाद फोटोन के इस स्कैटरिंग को ही हम क्रॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। यह आइंस्टीन साहब ने बताया, ये वेव के कारण होने वाली घटनाएं हैं और ये आपके पार्टिकल के कारण होने वाली घटनाएं हैं। इसी कारण नेचर ऑफ लाइट को बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। नेचर की कैसी प्रकृति होती है लाइट की, तो लाइट की दोहरी प्रकृति होती है। अब हम आपके लेसन में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई टॉपिक बचा नहीं है, हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में, लाइट्स के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे ऑब्जेक्ट्स पे, इन सारे टॉपिक्स पे रिवीजन कीजिएगा और खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब हम इन सारे टॉपिक्स पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आएंगे और नए टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि कुछ बच्चे और इस वीडियो को देख सकें।